अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है? अच्छा, जब मैं अगर रिकैप की बात करूँ तो लास्ट वीडियोस में हमने गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने उसका प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल के हवाले से देखा था कि प्राइमरी गोल क्या होता है, सेकेंडरी गोल क्या होता है। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरी गोल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड है, उसको यूज़ करने वाला कोई बंदा है, कोई यूज़र है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद है। तो इसमें एज अ इंटरफेस काम करता है कौन? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम अवेलेबल है, यू कैन सी हियर। यहाँ पर एंड यूज़र है, एंड यूज़र डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूटिलिटीज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? यूटिलिटीज़ आर बेसिकली द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस यूटिलिटीज़। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहा है, हार्डवेयर्स को मैनेज कर रहा है। तो आप खुद नज़र आ रहा है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बीच में है हमारे पास यूज़र और हार्डवेयर के। तो इसलिए हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ और चीज़ें मेंशन है, लेट्स सी। द यूज़र ऑफ एप्लीकेशन इज़ एंड यूज़र। अब आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उनको यूज़ करने वाला जो होता है ना, जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं कौन कहलाऊँगी? मैं कहलाऊँगी एंड यूज़र। एंड यूज़र वो बंदा होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा होता है। एंड जनरली इज़ नॉट कंसर्न विद कंप्यूटर आर्किटेक्चर। User use the system in terms of an application developed by an application programmer. अच्छा, जो end user का concern होता है ना, वो कभी भी computer architecture से नहीं होता कि ये कैसे बनाई गई हैं, इसको कैसे program किया गया है, कभी भी नहीं। उसका concern सिर्फ ये होता है कि मुझे ये application use करना है, इस application को use करते हुए मुझे मेरा task complete करना है। और ये जो applications होती हैं basically developed की जाती हैं applications programmers के through। अच्छा, ठीक है। The machine instructions that are completely concerned with controlling the computer hardware assist in program creation and facility management of files are referred to as utilities and it is a part of operating system. अब यहाँ पर हमें ये दूसरी चीज़ बताई गई है, एंड यूज़र के बारे में बता दिया गया है इस पैराग्राफ में और एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया गया है। अब यूटिलिटीज़ की बात आ रही है। यूटिलिटीज़ बेसिकली हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम्स या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक लाइब्रेरी ऑफ फंक्शन होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट पैरा है और ये चीज़ दिखा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम The operating system marks the details of computer hardware from the programmer and provide a convenient interface for using the system. Operating system एक convenient interface provide करता है user को, ताकि वो different application programs को use कर सके। तो ये हमारे पास बेसिकली प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हमारे पास एक कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें एंड यूज़र्स, एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर आ गया, और एज अ इंटरफेस काम कर रहा होता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम बिटवीन एंड यूज़र एंड हार्डवेयर। आप इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।